ऐसी एक कहानी सुनाऊंगा कि एक मजदूर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके वाइफ के ऊपर क्या बीतेगी अगर समाज के हिस्से ने उसको स्वीकार नहीं किया। मुझे उस दौर में, सुनिएगा जरा, मुझे उस दौर में मरने का मन है जहाँ फातिहा पढ़ी जाए किसी की याद में नहीं, बल्कि इस याद में कि जिसके चले जाने से जो निर्वात उपजा है उसका दोहन करने के लिए कोई आगे आए और उठाए वो जिम्मा जो उसके सर था, जिसका सर आज जमीन के अंदर खाक हो चुका है। दोहन करने के लिए कोई आगे आए और उठाए वो जिम्मा जो उसके सर था, जिसका सर आज जमीन के नीचे है या राख हो चुका है, और उसकी कुटिया का चूल्हा उसी आँच से चलता रहे जिस आँच पर सिकी रोटी से आखिरी बार उसने पेट की भूख मिटाई थी। और दरवाजे से बाहर झांकती, दिहाड़ी पर जाते उसे ताकती वो महिला, बस गुजार ले जिंदगी ऐसे कि किसी की सौंपी हुई नहीं बल्कि खुद की पाई हुई लगे। वरना जिंदगी ने एक दिन वापसी में कुछ मांग लिया तो सांसें लौटाने के सिवा कोई चारा भी नहीं है, फिर रह जाएगा बस जलता हुआ चूल्हा और पड़ जाएंगे अंगारे सारे ठंडे, जैसे ठंडी पड़ चुकी है उस स्त्री की रूह किसी अपने के न होने से उसी दिन। एक और है, छोटी छोटी है, जल्दी जल्दी सुना दूंगा। मैं खत्म होने से पहले एक कहानी लिखूंगा कहानी उन किरदारों की जो किरदार निभा नहीं पाए, जो वंचित रह गए अनगिनत कहानियों में और बस एक इंतजार में कि अब की बार मिलेगा मौका। मैं अपनी कहानी में प्रेम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कहानी में प्रेम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मिला दूंगा उन प्रेमियों को जो तरस रहे थे अब तक हर कहानी में मिलन को, मिला दूंगा उन प्रेमियों को जो तरस रहे थे हर कहानी में मिलन को, मैं उन सब की कहानी को पूरा करूंगा जिनकी वजह से ये कहानी बनी, मैं उन सब की कहानियों को पूरा करूंगा जिनकी वजह से ये कहानी बनी, मैं विरह की लंबी रातों को इतना छोटा कर दूंगा कि सवेरा होने में देर ना हो पाए, मैं विरह की लंबी रातों को इतना छोटा कर दूंगा कि सवेरा होने में देर न हो पाए, और सुबह का उगता सूरज बिखेर दे अपनी रोशनी उस कहानी पर जहां से कितनी अधूरी कहानियों को पूरे होने की आशा रही थी। मैं उस कहानी का किरदार खुद बनूंगा, मैं उस कहानी का किरदार खुद बनूंगा, और उस कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ आऊंगा जहां से कहानी में कोई आ ना सके, कहानी से बाहर कोई जा ना सके, और जिस दिन वो कहानी खत्म होगी सारे किरदार हंसते मुस्कुराते विलुप्त हो जाएंगे और बच जाएगी सिर्फ वो कहानी जिसमें किरदार जिंदा तो नहीं रहते लेकिन अमर हो जाते हैं।